आपका मेरा इसमें कहना ये है कि मैं एक तो पहली बात मैं टैक्स पे ही हूँ तो कर्जा लेने का मुझे वो पात्रता ही नहीं। दूसरी बात मैंने ना आवेदन भरा है ना मैंने उसके लिए कर्जे के लिए कुछ वो किया है और पता नहीं है किसने कूटरचित दस्तावेज करके मेरे नाम से फॉर्म भर के और वहाँ जमा किया है। मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि ये आपने ऐसे ऐसे फॉर्म भरा था और इतना आपका कर्जा माफ हुआ है। तो जो राहुल गांधी और कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों का हमने कर्जा माफ किया, क्या वो झूठा है? बिल्कुल झूठा है, निराधार है और शिवराज सिंह चौहान साहब को बदनाम करने की चुनाव में रणनीति है, क्योंकि वो ही किसान ऋण माफी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको कैसे डैमेज किया जाए इस बात का ये प्रयास है। ये जो सिग्नेचर मैं हमेशा इंग्लिश में करता हूं, जैसा कि मैंने आवेदन पत्र में भी दिया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरा सिग्नेचर नहीं है ना मेरी राइटिंग है और उसी के जांच के लिए हमने आवेदन दिया कि जांच करके दोषियों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।